आप देख रहे हैं देश का प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल सैफई बुलेटिन। सैफई से बड़ी खबर आ रही है, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से। यहाँ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने बिना परमिशन गेस्ट हाउस में कब्जा कर लिया है और अपने कोरोना पॉजिटिव रिश्तेदारों को वह कमरा दे दिया है और वहीं VIP ट्रीटमेंट करा। कुल सचिव की दबंगई देखिए, उन्होंने मुख्य गेट पर ताला डलवा दिया है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है और मीडिया कर्मियों के जाने पर कुल सचिव ने रोक लगा दी है ताकि कुल सचिव का भंडा फोड़ न हो जाए। हम मैं समय हूँ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ संस्थान में मरीज इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ दवाई और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। वहीं यहाँ गेस्ट हाउस में स्टार है, जो यहाँ कुल सचिव है जो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सुरेश चंद शर्मा, ये दो अपने रोगियों को, अपने परिचितों को VIP ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसमें, गेस्ट हाउस में। ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है, मुझे जानकारी, जब मेरी टीम को जब जानकारी मिली है तो मैं पड़ताल करने के लिए पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं गेट ये बंद कर दिया गया है, गार्ड महोदय खड़े हुए हैं और यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है मीडिया का जाना, बिल्कुल अलाउ नहीं है। गेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, गार्ड महोदय खड़े हुए हैं। गार्ड महोदय ने बताया कि आप जाना यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, रजिस्ट्रार ने मना किया हुआ है। रजिस्ट्रार के दो मरीज यहाँ कोविड में, कोविड जो मरीज हैं, जो जानकारी मिल रही है अभी एक लोगों ने बताया है मुझे, वहाँ दो तीन लोगों ने, कि रजिस्ट्रार ने दो अपने मरीजों को VIP ट्रीटमेंट देने के लिए इसमें गेस्ट हाउस के दो रूमों में उसने अलग उनकी सुविधा कर रखी है। ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से आ रहा है और यहाँ गेस्ट हाउस में उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। जब सब मरीज एक सुविधा के लिए होता है तो ये अन्य मरीजों को VIP ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? इस मामले में जब इससे सुरेश चंद शर्मा से मेरे द्वारा बात की गई तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इनको मैं आपके सामने भी मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ना, मैं कॉल लगा रहा हूँ सुरेश चंद शर्मा जी को और ये जानकारी के लिए मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दो मरीज, इन्होंने दो मरीजों को, इनके कोई रिलेटिव में जो इन्होंने इसमें भर्ती करा रखे हैं इसमें गेस्ट हाउस में, इनके दो मरीज भर्ती हैं और जो है इन्होंने इसलिए ताला बंद कर रखा है यहाँ पे, मीडिया का जाना इन्होंने रोक रखा है, कोई भी आदमी यहाँ अंदर नहीं जा सकता है। स्टार जो है पूरी तरह से गुंडई पर उतारू हैं और यहाँ अपने मरीजों को स्पेशली जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है उसमें ये जो है मरीजों को भर्ती करा रहे हैं और उसी में उनका इलाज करा रहे हैं। और इस बारे में रजिस्ट्रार से बात करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन रजिस्ट्रार ने बात करने से साफ इनकार कर दिया, मिलने से साफ इनकार कर दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट में ताला बंद है, ताले को बंद कर दिया गया है, यहाँ अलाउ नहीं है जाना किसी का। मैं इस समय सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में आ चुका हूँ। ये प्रशासन भवन आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रार भी बैठते हैं, कुलपति भी यहीं बैठते हैं, और रजिस्ट्रार द्वारा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में दो कोरोना रोगियों को उसने कमरा दे रखा है, जिसके परिचित हैं, उनका इलाज वहाँ स्पेशली इलाज अलग से करवा रहे हैं। इस मामले में मुझे रजिस्ट्रार से बात करनी है और मैं रजिस्ट्रार से बात करने के लिए पहुँच रहा हूँ। रजिस्ट्रार द्वारा ना ही फ़ोन उठाया जा रहा है, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी जा रही। रजिस्ट्रार द्वारा गेट बंद करवा दिया गया है वहाँ इन गेस्ट हाउस जाने का, उसमें ताला डलवा दिया गया है और मैं रजिस्ट्रार से मिलने के लिए उनको ऑफिस पहुँच रहा हूँ। मैं रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय में आ चुका हूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रार महोदय ने जो है अपने कुछ रिश्तेदारों को जो उसमें एडमिट करा रखा है, जिसकी वजह से पूरा उसमें बंद कर रखा हूं। मीडिया कर्मियों के जाने पर बिल्कुल रोक है, गार्ड ने हमें जाने की परमिशन नहीं दी, उसने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी कुछ लोग मुझे मिले थे संस्थान के, उन्होंने बताया कि उसमें प्राइवेट जो गेस्ट हाउस उसमें दो मरीज भर्ती हैं और मैं आ गया हूं महोदय के पास और इनसे पूछता हूं कि मामला क्या है। शर्मा जी, ये ताला बंद है कुलपति के जो है रास्ते का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सामने से ताला बंद है तो क्या गलती है? कुलपति ने ही ताला बंद है। नहीं, ताला बंद है तो ताला किस लिए बंद है? अरे कुलपति नहीं इसलिए ताला बंद है। कुलपति नहीं इसलिए ताला बंद है। तो ताला कब से बंद किया गया? कब ताला बंद किया? जब कुलपति जी चले गए तब से बंद किया गया। नहीं, कल तो मैं गया था।
कल तो मैं गया था वहाँ, जो है खबर मांगी गई थी कुलपति के बंगले की खाली फोटो भेजने के लिए, तो मैं कल तो गया था, तो तब तो ताला बंद नहीं था, तब तो ताला खुला हुआ था, तब तो मैं गया था। क्या करने गए थे वहाँ? मैं उसका फोटो लेने गया था, कुलपति आवास का, खाली कुलपति आवास का फोटो लेने गया था। माना गया था मुझसे, खबर भी छपी है अखबार में, अखबारों में खबर भी छपी है, कटिंग भी आपको भेजा था। जानकारी ये मिल रही है कि उसमें जो गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी का, उसमें दो मरीज आपके भर्ती हैं। गलत जानकारी आपको, आप गलत जानकारी फैला भी रहे हैं आप। गलत जानकारी है, मैं किसने बताया? लोगों ने बताया, कौन लोग हैं आप? गेट क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? गेट नहीं खुलवा रहे, क्योंकि गेट नहीं खुलवा रहे, क्योंकि मरीज आपके अंदर है उसमें, तो तभी तो नहीं आप खुलवा रहे। बता रहा हूँ कौन आदमी, सोना थोड़ी कुलपति छोड़ गए, कौन आदमी है? कुलपति रुपयों से बड़ा बक्सा छोड़ गए क्या महोदय? कौन आदमी है जो बता रहा है भाई? आप ही बता रहे हो। आपने जो है आपने ताला बंद कर रखा, अच्छी बात है। आप भाई गलत जानकारी फैला रहे हैं। केस क्यों क्यों फैला रहे हैं? आप ही फैला रहे हैं। किस आदमी ने बताया कौन मर्जी बदली है? गेट खुलवाइए, किस आदमी ने बताया कि मर्जी? आप गेट खुलवाइए ना भाई, गेट बंद है, वो बीसी साहब बंद करके, इसलिए गेट बंद है। आप देखिए कल ये गेट खुला हुआ था, कुलपति महोदय जो रजिस्ट्रार महोदय है, रजिस्ट्रार महोदय है, इनका आरोप ये है कि मैं गलत जानकारी फैला रहा हूँ, और गेट में पूरा ताला बंद है, वहां पर मीडिया कर्मियों के जाने पर उन्होंने रोक लगा रखी है रजिस्ट्रार महोदय ने, और ये अभी तक गेट खुलवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका पुख्ता सबूत है मेरे पास, दो मरीज इनके उसमें एडमिट हैं, और उनका अलग जो है उनका बीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए इन्होंने कल इसलिए इन्होंने गेट बंद करवा रखा है।